is aliens. We are is aliens. Hello students, good morning. तो कैसे हैं आप लोग? तो ESZ Academy के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 26 जनवरी से UKPSC एंड UJBNL JEE एग्जाम के लिए COVID-19 स्पेशल कोर्स, ठीक है। तो इसमें हमारा फोकस होगा मेनली UKPSC JEE, UJBNL JEE एंड ऑल जितने भी स्टेट लेवल JEE एग्जाम्स होते हैं सबको फोकस करते हुए हम लोग एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किए हैं, COVID-19 स्पेशल कोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये कोर्स क्या है और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए UKPSC एंड UJBNL JEE का जो हमारा कोर्स है, जितने भी स्टेट लेवल JEE एग्जाम है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये कोर्स होगा हमारा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा जो क्लासेस होगा ES Zone Academy मोबाइल ऐप पे होगा, ठीक है, उसमें हमारी क्लासेस चलेगी। और इसमें जो आपका क्लासेस होगा बच्चों, इसमें जो आपका कोर्स कंटेंट होगा, कोर्स कंटेंट में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट में हम लोग लाइव क्लासेस देने वाले हैं, ठीक है, उसमें किस साथ में आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा उसके साथ, ठीक है। तो देखिए इसमें कोर्स कंटेंट में हम लोग देखते हैं, कोर्स कंटेंट में आपका जो होगा लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर होगा आपका बच्चों, ठीक है, PDF नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर, एंड साथ में आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मतलब जो भी आप कोर्स परचेज करोगे उसमें ये सारी चीजें रहेंगी, लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होगा, क्वेश्चन सीरीज चलेगा इस चैप्टर का। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको बच्चों कि यहां पर जो आपका कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा, जो भी थ्योरी वाले लेक्चर होंगे, वो मोबाइल ऐप ES Zone Academy पर चलेगा, और जो क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर होंगे वो मोबाइल ऐप पर भी साइमल्टेनियसली लाइव क्लासेस होगी, और उसके साथ आपका यूट्यूब पर भी लाइव होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ही आपका लेक्चर हो जाएगा तो ईच एंड एवरी लेक्चर का आपका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप होगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वहां पर आपको PDF नोट्स ईच एंड एवरी लेक्चर का शेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे इसमें, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। और यहां पर आपका UKPSC JEE, UJBNL JEE में जिस तरह का पैटर्न होगा उससे रिलेटेड आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हमारा मोबाइल ऐप ES Zone Academy पे होगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा इसमें क्या क्या होगा। तो बच्चों यहां पर जो आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंप्राइजेज ऑफ यूनिट टेस्ट, ठीक है। ये यूनिट टेस्ट क्या है? यूनिट टेस्ट आपका होगा चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, जैसे जो लेक्चर होगा बच्चों, ठीक है, जिस चैप्टर का आपका लेक्चर होगा उससे रिलेटेड आपका चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा। साथ में आपका मॉक टेस्ट होगा जो कि सब्जेक्ट वाइज होगा, एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट। जो फुल लेंथ टेस्ट होगा बेसिकली वो अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, जैसे आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम आपका UKPSC JEE या UJBNL JEE का जो एग्जाम है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका टेस्ट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इससे आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये कोर्सेस कहां पे चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जितने भी लेक्चर होंगे, लाइव लेक्चर या रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे या आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा, ये सारे ES Zone Academy मोबाइल ऐप पे होगा, ठीक है, ES Zone Academy, ठीक है, डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको
मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से आपको ईएस जोन एकेडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ईएस जोन एकेडमी मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे, ईएस जोन एकेडमी, ठीक है, मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर सारी आपको क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सारा आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। और कोर्स हमारा जो लॉन्च होने वाला है वो 26 जनवरी, ठीक है, यानी रिपब्लिक डे के दिन आपका ऑनलाइन कोर्सेज ये लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपका है, ठीक है। तो ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसके बेसिस पे आपको ह्यूज डिस्काउंट इसमें चल रहा है बच्चों। और ये जो ऑफर पीरियड हमारा होगा, ऑफर पीरियड होगा बच्चों, ये आपका 26 जनवरी टू 5 फरवरी के बीच में आपका ये ऑफर पीरियड होगा। इसमें आपको ह्यूज डिस्काउंट दिया जाएगा, ये आपको हम सब बता देंगे, ठीक है, कि किस तरह से आपका डिस्काउंट इसमें आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से आप कोर्स परचेज करेंगे, कल से ये हमारा लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा, यस जोन एकेडमी ऐप पे एक्टिवेट हो जाएगा लिंक, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली डेमो लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या क्या इसमें है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है esjda.co.in, ठीक है। और हमारा अगर आपको फेसबुक पेज आपको पे ज्वाइन करना है तो आपका लिंक दिया हुआ है ये सारी, ठीक है, साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक दिया हुआ है, तो यहां जाकर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये तीनों कोर्सेज साइमल्टेनियसली 26 जनवरी से लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो हमारा कोर्स कंटेंट होगा उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितने भी लेक्चर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं वो बहुत ही क्वालिटी होगा, उसमें जितने भी इससे फैकल्टी इससे जुड़े हुए हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। तो आप एक बार डेमो लेक्चर को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी जो भी कंटेंट है उसमें क्या क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिले हुआ लेकिन हम लोग बेस्ट कंटेंट के साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार देखिएगा, उसके बाद में आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी जो भी लेक्चर है उसका क्वालिटी क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं बच्चों, तो UKPSC JEE, UJBNL JEE या फिर अपकमिंग जितने भी स्टेट लेवल JEE एग्जाम होते हैं, चाहे वो UPRVNL के एग्जाम हो, चाहे वो UPPCL का एग्जाम हो, या फिर जितने भी स्टेट लेवल JEE एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सारा चीज इसमें कवर होने वाला है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है, मेजर रोल प्ले करने वाला है आपका अपकमिंग UKPSC JEE एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए आइए देखते हैं कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसका कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, इसे आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे कि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के और डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको दिया जाता है, ठीक है। किसी बुक में आपको ये सर्किट थ्योरी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी लिखा हुआ रहता है, नेटवर्क सिंथेसिस एंड एनालिसिस, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन NFTL, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है, और कोर्स कंटेंट ऑलमोस्ट क्या है, पूरा सेम होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग लेक्चर में बात करें,
लेक्चर नंबर 001। ठीक है, तो जो हम लोग यहां पर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या कंटेंट होने वाला है, ये आज हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर जो भी हम लोग कवर करेंगे, नेटवर्क थ्योरी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उसमें एक हमारा एक यूनिक अप्रोच होगा कवर करने का। पूरा सिलेबस जो हम लोग कवर करने वाले हैं उसका एक यूनिक अप्रोच होगा, एकदम फंडामेंटल से लेकर के उठाएंगे चीजों को, एकदम चार्ज से स्टार्ट करेंगे और एक आपको एकदम अच्छे लेवल तक आपको हम ले जाने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा SSC JEE का जो सेंट्रल लेवल का जो कोर्स होगा, ठीक है, वो उसका क्या होगा, उसमें हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। टॉपिक आपको यहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो भी डेरिवेशन वाला पार्ट होगा, ठीक है, वो हम लोग SSC JEE कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर आपका फॉर्मूले, थोड़ा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना भी हो सकता है, UKPSC JEE में जितने आए हुए क्वेश्चन, जिस टाइप के आने वाले क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, वो सब चीज भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप एक चीज मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट चलने वाला है आपका, उसमें आपका 95-98% का जो आपका जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली आपका UKPSC JEE में आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ एक केयरफुली हमारे कोर्सेज को, हमारे इस लेक्चर को आप देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसमें कि क्या क्या हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं इस कंटेंट में। सबसे पहले पूरे नेटवर्क थ्योरी को हमने यहाँ पर 5 यूनिट में डिवाइड किया है बच्चों। ठीक है, सबसे पहला जो यूनिट होगा हमारा यूनिट 1, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जिसको जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, किसी को ये पता नहीं होता कि सर्किट क्या है, नेटवर्क क्या है, ठीक है, एनालिसिस सिंथेसिस क्या होता है, नोड जंक्शन क्या होता है, लूप मेश क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये सारे कन्फ्यूजन हम लोग क्लियर करेंगे, एकदम फंडामेंटल से लेकर के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन में। ठीक है, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन में फील्ड थ्योरी वर्सेस नेटवर्क थ्योरी, एनालिसिस वर्सेस सिंथेसिस, नेटवर्क वर्सेस सर्किट, नोड वर्सेस जंक्शन, लूप वर्सेस मेश, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे आते हैं और क्या क्या है इसमें। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल लॉज इन नेटवर्क थ्योरी। 3 फंडामेंटल लॉ होते हैं पूरे नेटवर्क थ्योरी में, KCL, KVL एंड ओम्स लॉ, जिसके बेसिस पे पूरा ये हमारा पूरा नेटवर्क थ्योरी का क्या है, बैकबोन है, जिस पर बेस्ड है पूरा ये नेटवर्क थ्योरी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल लॉ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट के बारे में देखेंगे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा तीनों ये सर्किट एलिमेंट है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से रिलेटेड, ये सारी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी पर भी डिस्कशन चलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। देखिए इसमें मेंशन किया हुआ है डिटेल डिस्कशन ऑफ ऑल पॉइंट इनसाइड आर, एल एंड सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क पे। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क हम लोग बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, एक्टिव पैसिव नेटवर्क, बाइलैटरल, यूनिलैटरल एंड लंप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क नेटवर्क। ठीक है, और उससे रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन ऑन द अबव टॉपिक, इससे रिलेटेड जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी सोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे नेटवर्क थ्योरी में 2 तरह का एनर्जी सोर्सेस होगा, दैट इज वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे, सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड आपका डिटेल जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो सारा डिस्कशन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ आपका मेंशन किया हुआ कि डिटेल डिस्कशन होगा विद फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और क्या है इसमें। ठीक है, इसमें आपका डिटेल डिस्कशन होगा बच्चों विद फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या है।
इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स टू प्रैक्टिकल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स टू प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन कैसे होता है, कहां पे हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये चीजें बहुत लोगों को पता नहीं होता, ठीक है, और कहीं पर भी आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर देते हैं, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिर फर्दर हम लोग आएंगे एनालिसिस टेक्निक पे, ठीक है, एनालिसिस टेक्निक में दो तरह का आपका एनालिसिस होगा यहाँ पर, मेथड ऑफ एनालिसिस, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस के बारे में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बच्चों कि नोडल एनालिसिस का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क थ्योरी, ठीक है, अगर आपको नोडल एनालिसिस आ गया तो समझो कि पूरे नेटवर्क थ्योरी का आप 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, सर्किट को सॉल्व करने में आपका नोडल एनालिसिस। मेश एनालिसिस भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मेश एनालिसिस का जो अप्रोच होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए कम अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। नोडल एनालिसिस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसमें ड्यूलिटी प्रिंसिपल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इससे रिलेटेड भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बोलेगा कि ड्यूल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ड्यूल ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है, तो ड्यूल पेयर के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका इससे रिलेटेड आपका देखिए आप इसमें क्या होगा, आपका जो भी हमने फंडामेंटल लॉ को कवर किया, केसीएल केवीएल ओम्स लॉ, ठीक है, नोडल एनालिसिस मेश एनालिसिस, ठीक है, इससे रिलेटेड अब हम लोग उसके बेसिस पे जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस पे बेस्ड वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा ऑन द केवीएल केसीएल ओम्स लॉ नोडल एंड मेश एनालिसिस, ठीक है बच्चों, यहां तक आपको सारा चीज क्लियर हो गया। ये अभी हम लोग यूनिट वन में चल रहे हैं, अब देखते हैं आगे और क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये यूनिट वन आपका कंप्लीट हो गया, यूनिट टू में आते हैं, तो यूनिट टू में हमारा स्टार्ट होगा डीसी नेटवर्क थ्योरम, इसमें टोटल 9 थ्योरम कवर होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट 5 थ्योरम है बच्चों यहां पर, उसमें क्या होगा आपका, ये न्यूमेरिकल बेस्ड भी होगा आपका, जिसे आपका थेवेनिन नॉर्टन सुपरपोजिशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड यहाँ पर आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जो स्टार्टिंग की जो 5 थ्योरम्स हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। और बाकी जो लास्ट का जो फोर्थ थ्योरम है जिसमें आपका मिलमेंस थ्योरम, टेलिगेंस थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन एंड कंपेंसेशन थ्योरम, इसका एक थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, इस मतलब थियोरिटिकल क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आपका स्टार्टिंग का 5 थ्योरम्स पे बेस होगा, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है, ठीक है। देखिए आप हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, ठीक है। यूनिट 3 में हमारा स्टार्ट होगा ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएल एंड आरसी सर्किट, जितने भी स्विचिंग सर्किट होते हैं, बोला जाएगा कि स्विच को t=0 पे ऑन किया गया, ऑफ किया गया, ठीक है, तो वोल्टेज करंट ये सारी चीज स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें बेसिकली हम लोग फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशियंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कि कोफिशियंट ऑफ कपलिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में टाइप्स ऑफ कपल सर्किट, एडिंग एंड अपोजिंग सर्किट विथ डिटेल डिस्कशन, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस पर बेस्ड जो गुड क्वेश्चंस होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट से रिलेटेड, ठीक है, और साथ में ट्रांजिएंट रिस्पांस से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में हम लोग फिर इसी में देखेंगे टी कोवेरियंस सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट, ठीक है। तो एसएससी जेई में भी 2-3 क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा हुआ था कि ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट होते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करने वाले हैं, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा यूनिट नंबर 3 तक, ठीक है। अब देखिए आगे और क्या है इसमें, यूनिट 4 जो हमारा स्टार्ट होता है बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नेटवर्क थ्योरी, दैट इज एसी सर्किट, और यहीं पर सबको प्रॉब्लम आने लगती है। डीसी सर्किट तक तो सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, जैसे एसी सर्किट स्टार्ट होता है
तो यहां पर प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे फेजर का कॉन्सेप्ट यहां पर, ठीक है। तो बहुत ही ट्रिकी वे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, आपको एकदम मजा आ जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। कि फेजर के बारे में हम लोग देखिए कैसे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग और लैगिंग को देखिएगा कि मिनटों में सॉल्व करेंगे। आपको जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, लीडिंग लैगिंग फेज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द टू साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसी सर्किट में, ठीक है। तो जो एसी सर्किट हमारा आएगा बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फेजर एंड इट्स एप्लीकेशन, कि फेजर्स क्या होते हैं, फेजर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कहां पर इसको यूज करेंगे, फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट का, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड सर्किट होते हैं, जैसे सीरीज आर एल सीरीज आर सी सीरीज आर एल सी, और साथ में तीन सर्किट होगा, पैरेलल आर एल पैरेलल आर सी एंड पैरेलल आर एल सी सर्किट, टोटल सिक्स सर्किट होंगे यहाँ पर, जो हमारा स्टैंडर्ड सर्किट होगा उसी का हम लोग फेजर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए और देखने वाले हैं हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीरीज और पैरेलल आर एल आर सी एंड आर एल सी सर्किट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर एसी पावर एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे एसी पावर एनालिसिस पे, और दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर, ठीक है। एसी पावर एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, चाहे वो यूकेपीएससी जेई एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई एग्जाम हो, ठीक है बच्चों। इसमें हम लोग एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, एपरेंट पावर, पावर ट्राइंगल, साथ में सारा चीज पूरा पूरा कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेंगे और वहां पर हम लोग सारा चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा होगा। उसके बाद एसी सर्किट में फिर फर्दर जो हमारा टॉपिक है, दैट इज स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल एनालिसिस, ठीक है, दैट इज स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल एक्साइटेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें, स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल एक्साइटेशन एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, आपको मुश्किल से आधे घंटे में ये चीज हम लोग डिस्कस कर देंगे, स्टेडी स्टेट साइनोसॉइडल एक्साइटेशन, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा बोदर करने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं नेटवर्क थ्योरी का सबसे हॉट टॉपिक जिसे बोला जाता है, दैट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस इन एसी सर्किट, ठीक है। तो आप देखिएगा कि रेजोनेंस को किस तरह से हम लोग हैंडल करने वाले हैं, और रेजोनेंस में एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं बचेगा जिससे बाहर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में, कि रेजोनेंस क्यों होता है, कौन से सर्किट में रेजोनेंस होता है, एसी में होता है, डीसी में होता है, ठीक है, और कब कब कौन सा कंडीशन में आपका रेजोनेंस कंडीशन आने वाला है, और साथ में इससे रिलेटेड सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा इंट्रोडक्शन टू रेजोनेंस, उसके बाद सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि क्वालिटी फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में देखेंगे, कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग कंपेरिजन करेंगे सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का विद स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के साथ में, क्योंकि इसे रिलेटेड हमने देखा था कि प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था, इससे पहले यूकेपीएससी जेई का, चाहे एसएससी जेई का भी जो एग्जाम हुआ था, उसमें इसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या इससे बनता है, इससे क्वेश्चन जो हमारा बनता है बच्चों, स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के साथ इसमें कंपेरिजन करेंगे, और यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है, उससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है, उससे रिलेटेड आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि सीरीज और पैरेलल आरएलसी सर्किट का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं सीरीज और पैरेलल आरएलसी सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, ठीक है।
तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल आरएलसी सर्किट का स्टैंडर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल आरएलसी सर्किट, साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्पिंग रेशियो जीटा, ठीक है, कंडीशन ऑफ अनडैम्प्ड अंडर डैम्प्ड क्रिटिकली डैम्प्ड ओवर डैम्प्ड रिस्पॉन्स का क्या कंडीशन होता है, ठीक है, साथ में कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेटरी और नॉन ऑक्सीलेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, कि आपका कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेटरी और नॉन ऑक्सीलेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग कंडीशन देखेंगे कि क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें पूछेगा वैल्यू ऑफ आर क्या होगा ताकि उस पूरे सर्किट का रिस्पॉन्स ऑक्सीलेटरी हो या नॉन ऑक्सीलेटरी हो, तो ये सारी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और सबसे हमारा जो लास्ट जो यूनिट होगा दैट इज यूनिट नंबर 5, ठीक है, ये यूनिट जो आपका होगा पैसिव फिल्टर और टू पोर्ट नेटवर्क का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आरएलसी सर्किट का यूज करते हुए हम लोग फिल्टर सर्किट कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट जिसको आप बैंड इलिमिनेशन फिल्टर भी बोलते हो, नॉच फिल्टर, तो ये सारे फिल्टर के बारे में हम देखेंगे, आपका सर्किट दिया हुआ रहेगा, आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये किस टाइप का फिल्टर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है कि मैक्सिमम फेज शिफ्ट कितना होगा, ऑल पास फिल्टर कितना प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, हाई पास फिल्टर कितना प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगा बेस्ड ऑन द पैसिव फिल्टर, और जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा बच्चों इस नेटवर्क थ्योरी का, ये होगा आपका टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग कवर करेंगे, सबसे पहले होगा आपका इंट्रोडक्शन टू टू पोर्ट नेटवर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स, ठीक है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जैसे जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, इनवर्स एबीसीडी पैरामीटर जिसको आप लोग एडेस बीडेस सीडेस पैरामीटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, एच पैरामीटर, ठीक है, एच पैरामीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बीजेटी में यूज करते हैं, ठीक है, जब हम लोग एसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी एम्पलीफाइड करते हैं तो वहां पर एच पैरामीटर मॉडल हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंडीशन ऑफ साइमेट्रिक एंड रेसिप्रोकल नेटवर्क, कंडीशन ऑफ साइमेट्रिक और रेसिप्रोकल नेटवर्क, उसके बाद फिर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सर्किट होते हैं उसका, जैसे जेड पैरामीटर ऑफ स्टैंडर्ड टी सेक्शन नेटवर्क, वाई पैरामीटर ऑफ स्टैंडर्ड पाई सेक्शन नेटवर्क, और साथ में आपका एक और होता है हमारा दैट इज एबीसीडी पैरामीटर ऑफ स्टैंडर्ड एल सेक्शन नेटवर्क, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होल सिलेबस है नेटवर्क थ्योरी का, और इसको हम लोग वन बाय वन बहुत ही आराम आराम से, ठीक है, इस सिलेबस को पूरा कवर करने वाले हैं, एक यूनिक अप्रोच होगा हमारा यहाँ पर सिलेबस कवर करने का, और साथ में मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आपका जो एसएससी जेई का जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो डेरिवेशन वाला पार्ट होता है वो हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा और डेरिवेशन वाला पार्ट क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं, एसएससी जेई में आपका मेंस एग्जाम भी होता है, इसलिए हम लोग वहां पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं थोड़ा, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच पूरा हमारा रहेगा, लेकिन आपका जो भी आपका यूकेपीएससी जेबी जेई एग्जाम या यूजेबीएनएल जेई जितने भी आप स्टेट लेवल जेई एग्जाम दोगे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है, तो आप देखिए हमारे जो भी हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चलने वाले हैं हमारे ईएस जोन एकेडमी ऐप पे, ठीक है, इसे आप इस कोर्स को आप परचेज करें, ठीक है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है, कि बहुत ही हम लोग मिनिमम प्राइस पर इसे लॉन्च कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़ें, ठीक है, और मैक्सिमम लोग इससे लाभान्वित हो सकें, इसका फायदा उठा सके, ठीक है, इसलिए हम लोग प्राइस बहुत ही मिनिमम रख रहे हैं, ठीक है, आपको ये पता चल भी चल जाएगा कि प्राइसेस वगैरह इसमें क्या है, तो देखिए ये हमारा होल सिलेबस हुआ आपका नेटवर्क थ्योरी का, और इससे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होंगे चाहे वो पावर सिस्टम हो, मशीन हो, मेजरमेंट हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट ईडीसी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उसका क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत ही अलग होने वाला है बच्चों, ठीक है, तो चलिए तो इस लेक्चर में अब हम लोग इतना ही हम लोग, और फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
ठीक है। तो अब देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि वेयर द ऑनलाइन क्लासेस विल बी कंडक्टेड, जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी वो ES जोन एकेडमी डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस आपका पे होगा, और आपका ES जोन एकेडमी मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, वहीं पर आपकी सारी लाइव क्लासेस साथ में आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सारा इसी मोबाइल ऐप पे आपका होने वाला है। और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी तरह का डाउट हो, ठीक है, कि कोर्स हम लोग कैसे परचेज करेंगे, ठीक है, डेमो वीडियो लेक्चर कहाँ पर अवेलेबल होगा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपका, देखिए हमारा ये वेबसाइट है esjd.co.in, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आपका मेरा हमारा फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप उसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।